वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग कोयले का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कोयले का ट्रेडिंग करके हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कम से कम लागत में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयले का बिजनेस हम लोग कोयला को कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कोयले का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोयले का यूज के बारे में। तो कोयले का यूज पावर प्लांट में होता है, स्टील प्लांट में होता है और ईंट भट्ठा में होता है और छोटी मोटी फैक्ट्री में होती है। लेकिन जो स्टील प्लांट में होता है और पावर प्लांट में होता है, ये बड़ी कंपनियां डायरेक्ट कोयले का परचेज करती है, तो इसमें हम लोग नहीं बेच सकते। एक छोटा सप्लायर इसमें नहीं बेच सकता है। तो आज हम लोग इसका छोटे स्तर पर बात करेंगे। जो छोटे स्तर पर इसका यूज है वो ईंट भट्ठे में यूज है। एक ईंट भट्ठे में आप ये मान के चलिए कि 500 से 1000 टन एक साल में लगता है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है। दूसरा, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे छोटी फैक्ट्री अभी क्या सत्तू बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें चना को रोस्ट करने के लिए कोयले का यूज होता है, तो ये सब में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो सप्लाई का मेन जगह है। तो सबसे पहले आज हम लोग ईंट भट्ठा और ये छोटे प्लांट को लेकर के हम लोग इसका बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वन बाई वन जानते हैं कि कहाँ कहाँ कोयलबड़ी पाए। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आसाम में इसका सबसे जो अच्छा कोयला होता है इंडिया में, वो आसाम में पाया जाता है। तो जो आसाम से कोयला का खनन होता है उसमें सबसे बेस्ट जो कोयला है वो है नांगल कोयला। अच्छा, नांगल के बाद होता है बापुन कोयला, बापुन के बाद आता है मारगेटा कोयला। तो जो ये नांगल और बापुन है, ये निकाला जाता है मेघालय से, लेकिन आसाम के जोगी गुफा लाया जाता है और वहां से हम लोग ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। मारगेटा कोयला मारगेटा से ही निकाला जाता है, वहां से ही सप्लाई होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे हम लोग आसाम का कोयला लेके और इसको बेच सकते हैं। तो आइए, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक बार आसाम जाना होगा, और आसाम जाकर के अगर आपको नांगल कोयला का जीसीबी 7000 से 7500 के बीच होता है, और बापुन कोयला का भी जीसीबी 7000 से प्लस ही होता है, मारगेटा भी आपको 6500 से लेकर 7500 जीसीबी के बीच होता है। आपको ये तीनों जगह जाना होगा जिसका भी आपका डिमांड है। इसमें क्या करना होगा आपको कि आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रक लेना होगा, और जिस भी कोयला का डिमांड है वहां पे इसका होलसेल डिपो है, जो कि खदान से लेकर के अपने डिपो पे रखते हैं। वहां से आपको क्वालिटी को समझते हुए कोयला को खरीदना होगा, और जिस भी स्टेट में सप्लाई करना चाहते हैं वहां आप ला करके एक 200-300-400 रुपया पर टन मार्जिन रख के आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जीएसटी लेना होगा, क्योंकि जीएसटी के बिना आप माल का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया आसाम कोयलबड़ी के बारे में। अब हम लोग जो सबसे ज्यादा बिकता है उसके बारे में बात करेंगे, वो है आपका झारखंड कोयलबड़ी। झारखंड में बहुत सारा कोयलबड़ी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि झारखंड के अलग अलग कोयलबड़ी है, जैसे झारखंड में जो सबसे अच्छी कोयलबड़ी है वो है चित्रा। चित्रा में आपको ए बी सी तीनों कैटेगरी का कोयला मिलता है। ए कोयलबड़ी का जिसे भी 6400 से 6700, बी भी सेम ही है 6400 से 6700, और जो सी कोयलबड़ी है उसका जीसीबी है 6100 से 6400। अगर इसको आपको सप्लाई करने का काम है, अगर ईंट भट्टा किसी को सप्लाई कर रहा है या किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो ये झारखंड के लिए और रेट के हिसाब से ये बहुत अच्छा कोयलबड़ी है। इसको सप्लाई करने के लिए आपको चित्रा जाना होगा। चित्रा जाकर के कुछ लोग वहां पे जो बड़े ट्रेडर है और बड़े सप्लायर है, वो इसका लाइसेंस लिए रहते हैं बिडिंग का। वो लोग 1000 टन 2000 टन 5000 टन परचेज करके बीडिंग करके रखते हैं, उससे आप होलसेल रेट में खरीद के ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रक लगा के अपना ट्रक ले जा करके, या उनका भी ट्रक होता है, उससे आप उसका अच्छा कोयला लोडिंग करा करके और आप अपने क्षेत्र में सप्लाई कर सकते हैं। ये झारखंड का सबसे मेन कोयलबड़ी हुआ झारखंड में। इसके बाद कुजू में बहुत अच्छी कोयलबड़ी है। कुजू में जो कोयलबड़ी है उसमें आता है आपको करमा, उसका जीसीबी भी 5800 के आसपास आता है। उसके बाद ओल्ड बिरसा 5500 से 5800 जीसीबी। उसके बाद आपका आ गया रैलीगाड़ा 5800 से 6100 जीसीबी, 5500 से 5800 जीसीबी, उसमें G5 और G6 दोनों होता है। न्यू बिरसा, ये सब कोयलबड़ी भी जो आपका जो खरीदने वाले हैं उसके हिसाब से, जो उनको डिमांड चाहिए, जो उनको चाहिए उसके हिसाब से आप कुजू जाकर के, कुजू ये कुजू एक जगह का नाम है, कुजू के चारों तरफ ये कोयलबड़ी है, यहाँ से खरीद के आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद
आगे धनबाद की तरफ हम लोग चलेंगे। धनबाद में भी मोदी डी एक अच्छा कोई बड़ी है, वहां से भी आप उसका भी जीसीबी 5500 से 6000 के बीच है, वहां से भी कोयला परचेस करके आप एक अच्छे डीओ होल्डर जो बिडिंग करते हैं उनसे खरीद के आप आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको बड़ा सप्लायर बनना है तो बिड आपको अपने करना होगा 1000 टन 2000 टन के लिए, उसके लिए आपको झारखंड सरकार का लाइसेंस लेना होता है, तो वो सब एक लंबा प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको किसी बड़े बीडर से और किसी बड़े डीओ होल्डर से खरीद के आप आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। ये झारखंड की बात हो गई। अब झारखंड के बगल में रानीगंज में है, वहां पे अच्छी अच्छी कोयलबड़ी है जिसमें कि आपको खास कजरा है, नमा कजरा है, इसके लिए आपको रानीगंज जाना होगा और रानीगंज के चारों तरफ 20 से 25 कोयलबड़ी, लेकिन मैं 5 अच्छी कोयलबड़ी आपको बताता हूँ, खास कजरा, नमा कजरा और संगरपुर, ये आपको 6550 जीसीबी का कोयला है। और उसके बाद आपका सोनपुर बाजारी आ गया, खोटा डी आ गया, 6250 जीसीबी है। इसमें भी आप जैसे झारखंड में कर रहे थे वैसे किसी बड़े सप्लायर से खरीद के आप बिहार में, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ से भी कोयला आप ला सकते हैं, छत्तीसगढ़ का जीसीबी बहुत लो होता है, और गुजरात से भी कोयला आप ला सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत लो जीसीबी, ये आपको ज्यादा मिक्स करने के यूज में आता है, ज्यादा काम में नहीं आता है। अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेड कोयला के लिए कि इंपोर्टेड कोयला कैसे बेच सकते हैं। कुछ कस्टमर आपको इंपोर्टेड कोयला मांगे, इंपोर्टेड मतलब विदेशी कोयला, तो विदेश से जो कोयला आता है उसमें यूएसए कोल है, इंडोनेशिया कोल है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन मेनली जो ईट भट्टा में यूज होता है वो है यूएसए और इंडोनेशिया। अगर यूएसए की बात करेंगे तो इसमें लॉ जीसीबी 7000 जीसीबी आता है और हाई जीसीबी 7600। जब हम लोग जीसीबी बोलते हैं तो जीसीबी का मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये हीट पावर से रिलेट करता है, जितना ज्यादा जीसीबी उतना ज्यादा पावर। अगर इंडोनेशिया कोल की बात करेंगे तो उसमें तीन तरह का होता है, 6000 जीसीबी, 6500 जीसीबी और 7000 जीसीबी, तो लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर हम कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो आसाम का कोयला और यूएसए का कोयला एक कॉस्ट में लगभग आता है, ये दोनों बहुत हाई रेंज का कोयला हो गया। उसके बाद आपका रानीगंज और झारखंड का चित्र आता है और बाकी उसके लो होता है। अगर आपको इंपोर्टेड कोयला का काम करना है तो आपको इंपोर्टेड के बड़े बड़े सप्लायर हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना वो जहाज मंगाते हैं, तो वो जहाज हल्दिया पोर्ट पे आता है, वो जहाज गुजरात में आता है, गुजरात के जो 2-3 पोर्ट है उस पे आती है। आप वहां जाकर के अगर आप बिहार से सटे हैं, अगर आप बंगाल से सटे हैं, अगर आप यूपी से सटे हैं, तो आपको हल्दिया पोर्ट प्रीफर करना होगा, लेकिन अगर आप पंजाब से सटे हैं, अगर आप हरियाणा से सटे हैं, तो आपको गुजरात के आसपास अगर सटे हुए हैं तो आपको गुजरात पोर्ट पे जाना होगा। वहां पे बड़े बड़े सप्लायर हैं जो 50,000 टन एक बार खरीदते हैं, आप उससे होलसेल रेट में खरीद करके अपना लोडिंग करा करके और आप अपने क्षेत्र में सप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा मार्जिनेबल बिजनेस है। अगर मार्जिन की बात करें तो अगर इंपोर्टेड और आसाम कोल की बात करें तो 500 से 700 रुपया पर टन इसमें बचत है, लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो इसमें भी 200 से लेकर 400 रुपया पर टन बचत है। तो अगर आप 12 चक्का ट्रक से लेते हैं तो 25 टन आता है, 14 चक्का से लेते हैं तो ये 30 टन आता है, 16 चक्का से तो 35 टन और 22 चक्का, 18 चक्का से तो 40 टन तक आता है। तो इसमें आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज का सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे ट्रक जो ड्राइवर होते हैं तो सभी को तो नहीं, कुछ ड्राइवर रास्ते में माल को चेंज भी करते हैं, तो आप इसको अच्छे से सील करवाइए, खुद से ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप सीरियस तरह के काम करिए, कि नहीं तो रास्ते में चोरी भी होता है, ट्रक गैप भी होता है। तो इसको आप आसानी से आप इस बिजनेस को करके और आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते, 2 से 4 लाख महीना भी आप एक साल काम करने के बाद इसमें आप आसानी से कमा सकते हैं। और धीरे धीरे आप अपना झारखंड में, आसाम में और इसमें आप बल्क मात्रा में काम करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर इस बिजनेस को करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे मेल पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।